तीन दिन पहलो एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की okay. फैसला कर दिया अफरीदी सी सूरी सी ये वो सारे जो मुराद सही सब तो ज्यादा कर जरा इन्होंने ये डिजाइन कर लिया कि असी जो इतिहास करना फौजियों के एक तो अल्लाह पाक वो बचत रखी कि जो मैं उत्थे नहीं सहया दूजा मेरे को अंदाजा सी कि इन्हें कोई फसाद कर दिस वॉज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह यह फड़िया जा चुका सी उसके बाद साबिक सूबाई वजीर पंजाब शमसान बुखारी की निजी महफिल में 9 मई के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ ऑडियो में कुछ अफराद के मुतालिक बात करते हुए कहा कि 3 दिन पहले पीटीआई कोर कमेटी की एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में आफरीदी और सूरी मौजूद था, वहाँ ही फौजियों के खिलाफ एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया। ये बचत हुई कि मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मुझे अंदाजा था कि इन्होंने कोई फसाद करना है। ये बात चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद की बात है। अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमसान बुखारी की मुबैना ऑडियो सुना दी। वज़ीर आज़म के मौफ़िन ख़ुसूसी ने कहा पीटीआई कोर कमेटी में फैसला हुआ कि एहतजाज फौज के खिलाफ होगा। साबित हो गया सानहा 9 मई सोचा समझा मंसूबा था, उस रोज पाक फौज और मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। पीटीआई चेयरमैन ने नफरत के बीज बोए, पीटीआई चेयरमैन ने मुखालफीन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। चेयरमैन पीटीआई की अटैक से अडियाला जेल मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में जेल में ए क्लास की सहूलियात फ्राहम करने की इस्तदा, अहले खाना और वकला से मुलाकात करने के लिए इजाज़त देने की भी दरख्वास्त। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम को जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाए जाने के बाद हक दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हक दिफा बहाल करने की अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म कर दिया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस हादसा, डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। ट्रैक पर उलट जाने वाली बोगियों को हटा दिया गया। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी ट्रेनें रवाना, अब ट्रैक की बहाली और मरम्मत का काम जारी। ट्रैक का काम मुकम्मल होने तक ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए सिंगल ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। कराची कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज हादसे का शिकार ट्रेन की कई बोगियाँ उलट गई थी। नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस हादसे के दूसरे रोज इलाके की फजा सोगवार। 34 जांबहक अफराद में से 27 की मैयत वर्षा के हवाले। कुछ की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। हादसे में कई जख्मी अभी तक मुख्तलिफ हस्पतालों में जेर इलाज। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस मुलजमा सोमिया की जमानत खारिज कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए कल समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त जमानत पर समात के दौरान पुलिस ने रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया। मुलजमा के वकील ने कहा कि मुकदमे की कई बातें झूठ पर मबनी है। बस स्टॉप पर बच्ची की 3 घंटे की वीडियो मौजूद है। बच्ची बस स्टॉप पर सही सलामत बैठी नजर आ रही है। कमरा अदालत में मुतासर लड़की की बस स्टॉप की वीडियो लैपटॉप पर चलाई गई। आरिफवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी हर तरफ तबाही मचाने लगा। मवेशियों को बचाते हुए एक शख्स डूब कर जान बहक। रेस्क्यू अहलकारों ने लाश को पानी से निकाल लिया। पानी में डूबे देहात का करीबी शहर से जमीनी राबता मुनकता। मुतासरीन को खुराक और पानी की किल्लत का सामना, देहात की बिजली बहाल न हो सकी। उकाड़ा के करीब दरिया सतलुज में कश्ती डूबने का वाकया, 5 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का 5वां रोज। सर्च ऑपरेशन के दौरान 9 अफराद की लाशें दरिया से निकाली जा चुकी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बराए खवातीन के वक्त का जिना हाउस लाहौर का दौरा, तालिबात का गमो गुस्से का इजहार। कहा कि ये बहुत तकलीफ दे लम्हात हैं। ये घर बाबा कौम मोहम्मद अली जिना से मंसूब होने के बायस काबिले कदर था।
शुरका का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। मेजर अब्दुल्ला शाह वतन पर मर मिटने का अज़्म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। 5 जुलाई 2023 को जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। उबाड़ों में कच्चे के डाकू, ताहाल बेलगाम, मियां माली के मुगवी वाजिद और अब्दुल फतह पर डाकुओं का तशद्दुद। इंसानियत सोज तशद्दुद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुगवियों के वरसा से 1,20,00,000 रुपए तावान देने का मुतालबा। तंगवानी में डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा कर लिया। मजाहमत पर एक शख्स को छोड़कर फरार हो गए। मुगवियों के वरसा का एहतजाज। शिकारपुर इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी ने सिखों को भी ना बख्शा। बढ़ती हिंदू तवा शिद्दत पसंदी के बायस भारत में सिख बिरादरी भी गैर महफूज। आजाद खालिस्तान की जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार शदीद दबाव का शिकार। जून 1984 में भारतीय हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर हमला करके 5,000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप खेलकर वतन लौट आई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। असद नासिर नॉर्वे कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज भी हासिल किया। घाटे मारता और समंदर इस बात की पुकार पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज ने 100 पेशियां भुगती। दिन रात शाम तक वो केसेस लगते थे। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, दहशतगर्दी का बहाना नहीं बनाया और घर पे छुपा नहीं। उसने कहा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, मुझे तारीख असल में मुझे याद रखेगी मेरी खिदमत के हवाले से। 9 अगस्त को असेंबली तहलील कर दूंगा, दोबारा मौका मिला तो अगले वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में धुआंधार खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने पैनामा केस में 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, कभी छुपा नहीं, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, सर पर टोप भी नहीं पहना। नवाज शरीफ नहल हुआ तो कहा कि अदालत का फैसला है, खुशियां मनाओ। आज अदालती फैसलों पर हम कुछ नहीं कह रहे। वजीर आजम का नवाबशाह ट्रेन हादसे पर भी अफसोस का इजहार। और पाकिस्तान खेल में सियासत को ना लाया। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का पहला टकराव 6 अक्टूबर को हॉलैंड से होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाक भारत तालुकात खेलों की राह में हायल नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ्फुज़ात बरकरार हैं। इवेंट में पाक भारत मुकाबला 14 अक्टूबर को खेले जाने का इम्कान है।